हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस संडे हम गए थे रागरी डे, जो कि था सिटी कनॉट प्लेस में। रागरी डे जो है वो एक जॉइंट इनिशिएटिव है दिल्ली पुलिस और रागरी फाउंडेशन का, जिसमें कि वो लोग आपको दिल्ली ट्रैफिक के बारे में बताते हैं, ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं। और इसका मेन इनिशिएटिव ये है कि दिल्ली की जनता को ट्रैफिक फ्री रोड्स मिले इंजॉय करने के लिए, जिसमें वो डांस कर सकें, साइकिलिंग कर सकें और रनिंग कर सकें। तो मेन इनिशिएटिव यही है इस इवेंट का। ये जो इवेंट है ये बहुत सालों से दिल्ली में हो रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से कोविड की वजह से ये इवेंट जो था वो बंद था। बीच बीच में कभी कभी हुआ है, बट अभी पिछले 1-2 महीने से ये इवेंट फिर से स्टार्ट हुआ है और अब आगे ये इवेंट मोस्ट प्रोबेबली रेगुलर होगा एवरी संडे। तो आपको इस इवेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये कब कब होता है, कहाँ कहाँ होने वाला है, तो उसकी डिटेल के लिए आप रागरी फाउंडेशन का पेज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके आने वाले इवेंट्स की डिटेल मिल जाएगी। आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ नहीं, जस्ट आपको अपना एक फॉर्म फिल करना पड़ता है ऑनलाइन, जिसमें आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं भी कराया है अगर आपने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी जा सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ का जो रागिरी डे है ये स्टार्ट होता है सबसे पहले डांस जुम्बा सेशन से। ये जो पहला सेशन है ये पीयूष हैं, ही इज अ कॉर्पोरेट जुम्बा ट्रेनर और बॉलीवुड डांस वगैरह कराते हैं, ये इनके द्वारा था ये सेशन। इनको मैं भारत दर्शन पार्क में भी मिली थी, इनके सेशंस वहाँ पे भी होते हैं, तो काफ़ी एनर्जेटिक सेशन रहता है इनका डांस सेशन, तो बहुत मज़ा आया। मतलब शुरुआत ही इतने अच्छे से हुई कि फुल ऑन सब एकदम एनर्जेटिक हो गए, सबको काफ़ी अच्छा सेशन था इनका, तो खूब इन्जॉय किया सबने स्टार्टिंग से ही। इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, आगे चल के दिखाती हूँ मैं आपको और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करी थी। और करना है मुझे तो लगा थके हो गए। अच्छा चलो, थके नहीं हो ना, तो जल्दी जल्दी ना अपने फोन निकाल लो और इंस्टाग्राम ओपन करके उसको पीयूष सिंह को फॉलो कर दो, ये मैंडेटरी। उसके अलावा यहाँ पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बच्चों के लिए एक ड्राइंग कंपटीशन था, जिसमें उनको ट्रैफिक से रिलेटेड ही चीज़ें ड्रॉ करनी थी, एज वाइज था, जिसपे आपको अपना फ़ोन नंबर और डिटेल्स देनी थी कि फर्स्ट प्राइज, जो फर्स्ट आएगा उसको प्राइज भी मिलेंगे। कलर शीट्स और पेंसिल वगैरह सब वही प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि कैसा हेलमेट होना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे हेलमेट को पहनता है, काफ़ी चीज़ें तो हम लोगों को नहीं पता थी। तो इट्स रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव टू नो पीपल कि कैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। और साथ ही में यहाँ पे सैम वर्कशॉप की तरफ से एक बहुत अच्छा ही फ्लैश मॉब था, जिसमें उन लोगों ने पूरा बताया ट्रैफिक कैसे फॉलो करना चाहिए, और ये बहुत ही एंटरटेनिंग इवेंट था, बहुत इंजॉय किया सबने और सीख भी बहुत अच्छी थी बच्चों के लिए, स्पेशली कि क्या ट्रैफिक रूल्स होते हैं आजकल की यंग जनरेशन, जिनको पता लगे। और ऐसा भी नहीं था कि बोरिंग था, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही अच्छा पूरा ये परफॉर्मेंस था इनके द्वारा यहाँ पे, और ये मस्ट वॉच था यहाँ का। आप कभी भी रागरी में जाएं तो इनका ये परफॉर्मेंस कभी मिस मत करिएगा, ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। तो जैसे कि मैं बता रही थी, जो ड्राइंग कंपटीशन है उसमें कलर्स, पेंसिल और पेपर वगैरह सब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ही दिया जाता है, और आप वहाँ पे बच्चों को उनके साथ छोड़ सकते हैं, वो बच्चों का ध्यान रखते हैं और आप और यहाँ पे पूरे रागरी डे में इधर उधर घूम सकते हैं। और आपको अपना फ़ोन नंबर वगैरह देना पड़ता है और पेपर शीट में, और जो भी फर्स्ट प्राइज आएगा दे विल कॉन्टैक्ट, जिसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा उनको वो कॉन्टैक्ट करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा था आप जैसे देख सकते हैं, तो ये कम से कम 10-15 मिनट का इवेंट था सैम वालों का, और ये बहुत अच्छा था, इसे देखने में बहुत मज़ा आया, काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी इन्हें देखने के लिए, तो ओवरऑल इट वॉज रियली रियली गुड। यहाँ पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बैंड रिप्रेजेंटेशन भी था, जो फीमेल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से था, और अगर आपका साइकिल ग्रुप है तो आप इस तरीके से अपनी साइकिल्स ले जा सकते हैं ग्रुप में और यहाँ पे साइकिल राइड कर सकते हैं, बट साइकिल आपको अपनी ही ले जानी पड़ेगी।
वहाँ पे जो साइकिल है वो वही मिलती है जो दिल्ली में हर जगह अवेलेबल है, जो रेंट पे होती हैं वो बड़ी होती हैं तो बच्चों के लिए नहीं होती। और यहाँ पे आपको साइकिल भी चलाना सिखाया जा रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आप छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और ये भी बड़ों को ही सिखाया जा रहा था, जिन लोगों को साइकिल नहीं आती तो आपको एक पर्सन डेडिकेटली दिया जा रहा था जो आपको वहाँ पे साइकिल चलानी सिखा रहा था। तो इट्स वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती और आप सीखना चाहते हैं। मेरी फ्रेंड ने सीखी और उसको मतलब विद इन हाफ एन आवर उन्होंने साइकिल चलानी सिखा दी, वो चलाने भी लग गई। तो इट वॉज रियली गुड, क्योंकि साइकिल इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा यहाँ पे और भी छोटे छोटे ऐसे काफी इवेंट थे, फोटो सेशंस के लिए उन्होंने फोटो बूथ्स लगा रखे थे जहाँ पे आप पैम्पलेट पकड़ के फोटोज वगैरह खिंचवा सकते हैं। ये मौसमी है मेरी फ्रेंड जिसने साइकिल चलानी उसी दिन सीखी, 3-4 बार गिरी भी है बट स्टिल शी लर्न। तो अच्छा इनिशिएटिव है ये इन लोगों की तरफ से। और स्कूल के बच्चों के द्वारा यहाँ पे काफी अच्छा नुक्कड़ नाटक भी था। तो यहाँ पे विद्या भारती पब्लिक स्कूल सफायर इंटरनेशनल सेक्टर 70 वहाँ के भी बच्चे आए हुए थे और बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है यहाँ पे। काफी अच्छा उन्होंने लाइक एनवायरनमेंट के बारे में, इन सब के बारे में नाटक के थ्रू समझाया। तो ये पूरा इवेंट था यहाँ पे। और आने वाले दिनों में जब ये रागिरी इवेंट और बढ़ेगा तो इसमें काफी कुछ और एक्टिविटीज भी होंगी। तो आपको यहाँ पे पूरा इनर सर्कल जो था रोड बंद करके दिया। अगर रनिंग ग्रुप है तो आप अपने ग्रुप में आ सकते हैं, यहाँ पे रनिंग कर सकते हैं। आप स्केट्स चलाते हैं तो स्केट्स ला सकते हैं, स्केटबोर्ड ला सकते हैं। तो फुल ऑन आप अपना संडे मॉर्निंग अच्छी अच्छे वेदर में, अच्छी फ्रेश एयर में आप लोग इंजॉय कर सकते हैं बिना ट्रैफिक के। तो ओवरऑल इट वॉज रियली अ गुड इवेंट, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, हमने भी काफ़ी इंजॉय किया। अगर आप अपना संडे फंडे बनाना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कि नेक्स्ट रागिरी कब हो रखता है और आप लोग भी जा सकते हैं। तो ओवरऑल इट वॉज नाइस, इट वॉज गुड। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको लगता है जो जो रागिरी में जाने के इंटरेस्टेड है उनके साथ प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।